नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का बच्चों से बड़ा स्नेह था और वो बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चों के प्रति उनके इस स्नेह भाव के कारण बच्चे भी उनसे बेहद लगाव और प्रेम रखते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का मतलब एक दिन बच्चों के प्रति महज जागरूकता पैदा करना नहीं है, बल्कि बच्चों के पालन पोषण के प्रति सोच को विकसित करना है। अक्सर देखा गया है कि किसी बच्चे की खराब आदतों को देखकर लोग फफ्तियां कसते हैं कि इस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिले। क्या संस्कार जबरन किसी बच्चे पर थोपे जा सकते हैं या कॉपी पेन लेकर ये संस्कार उन्हें रटाए जा सकते हैं? जब बच्चा चीजों को जानने और समझने लगता है, तभी से उसमें आदतों का विकास शुरू हो जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि कहीं लाड प्यार में आप अपने बच्चों को संस्कारों से दूर तो नहीं कर रहे हैं। बच्चे की सही परवरिश हो, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तकनीक में बचपन घुल रहा है। आज के बच्चे सारे काम उंगलियों के इशारे पर करते हैं। मसलन प्लेयर पर गाने सुनना, कंप्यूटर पर गेम खेलना, टीवी देखना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप और भी बहुत कुछ। आजकल तो बच्चों का सारा समय इंटरनेट पर ही गुजरता है। वो नहीं समझते कि क्या गलत है और क्या सही। वो तो वही सीखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। इसलिए बच्चों के हाथ में तकनीकी खिलौना देने के साथ ही समझाइश भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। आज के व्यस्त जीवन में जहां माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, बच्चों की हर एक गतिविधि पर पूरा ध्यान दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप काम के सिलसिले में बाहर रहें या घर पर, बच्चों को मनमानी करने से हमेशा रोकें या उनमें ये आदत डालें कि वो आपकी सहमति से ही कोई काम करें। सबसे जरूरी है अपने बच्चे को समझना और उसके नजरियों से चीजों को देखना। अपने बच्चों से उनके काम, दोस्तों आदि के बारे में हमेशा बातें करते रहें। कम्युनिकेशन गैप सारी चीजें खराब कर सकता है। जब आप उनके नजरिए से चीजों को देखेंगे, तभी उनकी भाषा में उन्हें समझा पाएंगे। लोग अपने बच्चों को हर चीज उपलब्ध करवाने की जिद में उनकी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा कर देते हैं, जिससे उनमें हर कीमत पर कुछ भी पाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ऐसा करते समय माता पिता ये नहीं सोचते कि वो अपने बच्चे को सिर्फ लेना सिखा रहे हैं, देना नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।